यूपी के बांदा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायर की, जिस पर जवाबी कार्रवाई में युवक के पैर में गोली लगी। आरोपी युवक को बांदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचे। प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका की दूसरी जगह शादी होने से नाराज प्रेमी ने इस घटना को अंजाम दिया है। दरअसल मामला बांदा जनपद के देहात कोतवाली इलाके के मोखर गांव का है, जहां के निवासी युवक प्रमोद का गांव की ही 24 वर्षीय युवती से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी दौरान परिजनों ने युवती की शादी दूसरी जगह कर दी, जिससे आहत होकर आज प्रेमी युवक ने महिला को खेतों में चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना चौकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गए और हत्यारे युवक को पकड़ने का प्रयास किया। वहीं पुलिस ने युवक की घेराबंदी कर उसे पकड़ना चाहा, जिस पर युवक ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में युवक के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे बांदा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। एसपी ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, जिसमें प्रेमिका की शादी से नाराज प्रेमी ने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया है। घटना के कठोर बिंदुओं पर जांच की जा रही है। आरोपी युवक पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, घटना कोतवाली देहात क्षेत्र की थी और मोखर गाँव की थी, जिसमें कि सुबह में आज एक महिला जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल थी, उसको एक प्रमोद नाम के व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी थी। घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा था, जिस कारण उसने ये हत्या की। जैसे ही इस घटना की सूचना हम लोगों को मिली, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, फील्ड यूनिट, हम लोग सभी लोग मौके पर वहाँ पहुँचे थे और उसके बाद से ही कई टीमों को लगाकर हम लोगों ने उसको पकड़ने का अभियुक्त को प्रयास किया। चारों तरफ से जब वो अभियुक्त घिर गया तो फिर उसने पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने फायर किया और उसके पैर में गोली लगी है। तत्काल उसे मेडिकल उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। इस घटना के विदिन एक घंटे के अंदर ही हम लोगों ने कॉम्बिंग करके जिस कुशलता से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है दौरान पुलिस मुठभेड़, इससे जो टीम है वो बधाई की पात्र है और उसे पुरस्कृत किया जाएगा। ये घटना एक जघन्य घटना थी और आगे भी इस घटना में जो अभियुक्त है उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। Thank you.